हेलो माय डियर स्टूडेंट बच्चों, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 13.6। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके अंदर एक सिलेंडर है, सिलेंडर का बेस सर्कमफेरेंस दे रखा है, उसकी हाइट दे रखी है और आपसे कह रहा है कि ये वेसल जो है सिलेंड्रिकल शेप में, ये कितना वाटर कंज्यूम, वो कितना वाटर कैपेसिटी क्या है इसकी, ये आपसे पूछ रहा है। हाउ मेनी लीटर ऑफ द वाटर कैन इट होल्ड पूछ रहा है आपसे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr होता है। सर्कल शेप में सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr, इसकी वैल्यू कितनी है 132, 2 का 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस की वैल्यू हमें निकालनी है, तो रेडियस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 132 इंटू 7 डिवाइड में आएगा 2 इंटू 22, 22 की टेबल से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी। सॉल्व करेंगे आप इसको सबसे पहले, ठीक है, तो 7 है और ये 132 है, 132 की मल्टीप्लाई में 7 गया और ये बाकी के दोनों जो है 2 एंड 22 ये आपके डिवाइड में आ गया। इसको आप आराम से सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। करेंगे इसको सॉल्व, 2 की टेबल से इसको कट किया पहले, 2 सिक्स जा, ठीक है, 2 सिक्स जा 12, फिर सिक्स जा सॉल्व किया, फिर 21 जा 21, ये 3 जा आया, तो R की जो वैल्यू है 7321 सेंटीमीटर आ जाती है हमारे पास, R की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो यानी हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वेसल निकाल लो, ठीक है, जो कि कौन सी शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज रख देंगे इसके अंदर, रेडियस जो है 21 इंटू 21 टू टाइम्स, हाइट जो है हमारे पास वो है 25, 7 की टेबल से इसको कट करोगे तो ये 3 टाइम्स कट होगा, ऊपर वाले का आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये कह रहा है कितना लीटर, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें अच्छे से पता है इसका फॉर्मूला 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर होता है, तो 34650 सेंटीमीटर क्यूब को अगर आप बदलोगे 34650 डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा, योर आंसर विल बी 34.650 लीटर, 34.65 भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये इसका कैपेसिटी है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा था। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, देखिए सेकंड क्वेश्चन, हाँ बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या देता है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, जो वुडन पाइप है उसका हमें इनर डायमीटर दे रखा था, उससे मैंने रेडियस निकाल दिया 12 सेंटीमीटर, इसी तरह से आउटर डायमीटर जो दे रखा था वो आप लोगों को 28 दे रखा था, उससे भी मैंने रेडियस निकाल लिया जो कि आपके पास क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। फिर हमें जो है इसकी हाइट दे रखी है 35 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर इस क्वेश्चन में आपको ये भी दे रखा है कि द लेंथ, फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वुड हैज मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो आपको ये बताना है ये जो वुडन पाइप है इसका पूरे का मास कितना होगा। तो मास निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो वुडन है, खोखला पाइप जो है, उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ पाइप, यानी केवल इस पाइप का कितना है, बीच में तो खोखला है ये, तो वॉल्यूम ऑफ पाइप लगाना है। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पाइप जो है होलो सिलेंडर शेप में है, होलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, होलो सिलेंडर शेप में है तो होलो सिलेंडर का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस करना होता है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करना है, आउटर और इनर, तो सी एस सॉरी दोनों को कॉमन लिया पाई, तो कॉमन आएगा पाई एच कॉमन आ जाएगा दोनों से, बचेगा क्या आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, पाई स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर और इनटू एच, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं तो देखो क्या आता है, 22/7 रेडियस वी हैव गिवन कैपिटल आर 14 प्लस स्मॉल आर 12 माइनस स्मॉल आर सॉरी 14 माइनस 12 इंटू हाइट जो है हमारे पास 35 है, तो ये इस तरह से होता है, 7 की टेबल से 5 टाइम सीधा ही कट हो जाएगा, फिर 22 इंटू इसको ऐड करोगे तो 26 इंटू 2 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा 22 इंटू 52
सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, लिख दीजिए 4411 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हमारे पास किसका आया, 111, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास इसको सॉल्व करने पर 110। इसकी हाइट कितनी है, हाइट के अकॉर्डिंग देख लेना कितना वैल्यू आ रहा है इसको सॉल्व करने पर, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 1 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आपके पास वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर हमें 0.6 से इसको मल्टीप्लाई भी करना है, 5 जा है, ये वैल्यू अलग आएगी, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने इसको 2 से कर दिया, 5 है ये, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 2 10, यहाँ 11 हो गया, 26 से कर दो, 0 का 0, 6 का 6, 6 2 8, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं 8, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो वैल्यू आएगी आप लोगों के पास, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको रखते जाएंगे इसके अंदर। हाँ तो बच्चों देखिए, इसको आगे देखिए, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी थी, इसमें क्या है कि 14 में से 12 तो है, यहाँ 5 भी तो है, ये 5 को भी काउंट करना है, मैंने 5 भूल गया था काउंट करना। तो अब हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे इसका बहुत ही आसान तरीके से, तो 26 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 26 2 52 का 2 5 अगर आप लेते हैं तो ये 5 7 2 आ जाएगा, 5 2 10 होता है तो पीछे 1 0 लग जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आपके पास 5720 सेंटीमीटर क्यूब जो है, ये केवल और केवल पाइप का आप लोगों के पास वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम ऑफ वुड आया है, वॉल्यूम ऑफ वुड वुड हमने निकाला है कि जो आपके पास है उसका हमने निकाला है। अब आपको इसमें क्या है, द मास ऑफ द पाइप बताना है, मास ऑफ पाइप या फिर वुड बोल सकते हैं इसको, लकड़ी है उसका मास बताना है। तो इसको निकालने के लिए इसकी जो क्वांटिटी है 1 सेंटीमीटर क्यूब की कितनी है, 0.6 है, तो 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.6 इंटू इसका कितना है 5720 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो 34320 आएगा, पीछे पॉइंट डिजिट लगाओगे तो वैल्यू आएगी, ये ग्राम में आंसर आया है 3432 ग्राम। अगर केजी में बदलोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3.432 kg, यानी 3 kg 432 ग्राम, इसको ऐसे लिख सकते हो 3 kg 432 ग्राम, इन तीनों में से कोई फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो उसको सुधार लेना आप, ये आपके आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी जो है, सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक, एक तो क्यूब शेप में है और क्यूबॉइड शेप में, तो ये कह रहा है विच कंटेनर हैज द ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। तो दोनों का कैपेसिटी निकाल लेंगे हम। तो कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L×B×H होता है, हमें अच्छे से पता है इसका होता है πr²h। तो हमें वैल्यू पुट करनी है, r कैपिटल लिया हमने तो r²h, वैल्यूज रख दीजिए बस। तो 5×4×15 कर लेंगे, इस तरफ हम सॉल्व करेंगे 22/7, रेडियस जो है 7/2 ले लो, 7/2 2 टाइम ले लेंगे, यहाँ पर 10 ले लेते हैं, आराम से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे 15 4 60 65 300 आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, 300 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से आप 7 को 7 से कट कर दोगे, 2 से कट करोगे तो ये 11 टाइम, इस 2 से इसको कट करोगे तो ये 5 टाइम आ जाएगा, तो 11 5 जा कर लोगे 11 35 जा आ जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो 85 ज्यादा है इस बारे में दिख रहा है, हमें देखते ही पता चल गया कि किसका वैल्यू ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर ले रहा है ना, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर ले रहा है, ठीक है। दो तरह के पैक में अवेलेबल है ना वो, तो विच कैपेसिटी है ना, कंटेनर ले रहा है, कितना है ये भी बताना है। एज 385 माइनस 300 यानी कि 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है, मोर कैपेसिटी इतनी ज्यादा इससे कैपेसिटी है वो आपको बताना है, किसकी ज्यादा है वो आपको बताना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह से आप ये कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसको ध्यान से देखिए। अब जो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
दे रखा है, हालांकि लिटरल सरफेस एरिया नहीं, सीएसए होना चाहिए था यहाँ पर, सीएसए लिखना चाहिए था बुक में, लिटरल सरफेस एरिया नहीं, सीएसए होना चाहिए इसके अंदर। सीएसए ऑफ द सिलेंडर 94.2 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है एंड इट्स हाइट 5 सेंटीमीटर होना दिया हुआ है। वैसे लिटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यानी एरिया ऑफ जो कर्व पार्ट है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो हमें केवल सीएसए ऑफ सिलेंडर लगाना है, सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे जो कि होता है 2 पाई आर एच, इससे क्या है मिसिंग वैल्यू निकल जाएगी आपकी, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। सीएसए दे रखा है 94.2 दे रखा है, 2 दे रखा है ये 3.14, ये रेडियस की वैल्यू निकालनी है, हाइट आपको पास दे रखा है 5, तो ये समझ लो सबसे पहले सिंपली निकालेंगे, ये 10 हो गया, ये 3.14 रेडियस, ये 94.2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 314 आ जाएगा। इससे आपको सिंपली रेडियस की वैल्यू निकालनी है, 94.2 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये पॉइंट जो है एक डिजिट आगे खिसक जाएगा, ये पॉइंट जो है एक डिजिट 91.4 हो जाएगा, ठीक है। तो 91.4 का डिवाइड लगाओगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉरी आर लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये 94.2 है, 91.4 है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो जब आप रेडियस इसका डिवाइड लगाओगे 94.93 का 912 से, तो इसका थ्रीजा आप करके देखोगे तो ये पूरा पूरा इसका थ्रीजा ही है, 3 टाइम्स कट हो रहा है पूरा पूरा। तो ये आपके रेडियस निकली, ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें अच्छे से पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, सारी वैल्यू रख दीजिए, 3.14 रेडियस 3 × 3, हाइट आपके पास कितनी है 5, सारी वैल्यू रख दीजिए, 314 का मल्टीप्लाई कर दो 45 से, तो सिंपली आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 45 से तो 141.30 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आप ये आंसर निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, बहुत ही सिंपल तरीका है, कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ भी नहीं है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 141.30। हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, इसमें क्या दे रखा है, इस बार आपको कॉस्ट दे दी कि कॉस्ट कितनी और रेट भी दे दी, फिर राइट दे रखी है, सीएसए पूछ रहा है कि सीएसए कितना होगा। सबसे पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया है, रेट कॉस्ट इज इक्वल टू रेट, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू एरिया था या वॉल्यूम थी जो भी होता था, फिलहाल आपके एरिया की बात कर रहा है ये होता था। तो अगर मुझे केवल एरिया निकालना है तो क्या होगा, कॉस्ट अपॉन रेट, ये सेम चीज फर्स्ट पार्ट में यूज करनी है। तो सीएसए ऑफ वेसल अगर आपको निकालनी है तो ये होगा टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है उस पर और रेट का डिवाइड लगा दो तो सीधा आंसर आ जाएगा। कॉस्ट है 2200, उसमें आप रेट कितनी है 20 रुपये से इसको सॉल्व करोगे तो 110 रुपये आ जाएगा। तो ये 110 रुपये नहीं, मीटर स्क्वायर, ये इसका सीएसए निकला है, इतने पार्ट पे पेंट हुआ है। नंबर टू, अब ये कह रहा है कि इसका रेडियस बताओ, तो इसका हम कंपेयर कर लेंगे, सीएसए फॉर्मूला लगा देंगे, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ वेसल निकाल लेते हैं जो कि होता है फॉर्मूला, सीएसए ऑफ वेसल इज इक्वल टू, आपको निकाला भी पड़ा है 110 है, फॉर्मूला क्या होता है वो भी रख दो, ये 110 दिया तो ये क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, ये 110 दे रखा है तो इसमें जो वैल्यू पता है वो रख दो, मिसिंग है वो निकल जाएगी, हाइट दे रखा है हमें 10, हाइट कैपिटल से रिप्रेजेंट किया, स्मॉल से भी कर सकते हो तो बड़ी बात नहीं है, ये 110, इसको सिंपली सॉल्व करना और कुछ भी नहीं है। तो रेडियस इज इक्वल टू 7 × 110, ये बाकी सारे डिवाइड मार देंगे 2 × 22 × 10, 0 से 0 कैंसिल, इसको आप सॉल्व करोगे तो 7 × 11 नीचे डिवाइड में 2 × 22, 11 की टेबल से 2 टाइम्स आएगा तो 7/4 आएगा, ये वैल्यू आएगी, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.75 मीटर आंसर जो है मीटर में आया है, रेडियस की वैल्यू 1.75 मीटर आया है, ठीक है 7/4 भी हमारे काम आएगा। कैपेसिटी ऑफ वेसल यानी इसका वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी निकाल लीजिए इसका वेसल, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, रेडियस हमने निकाला अभी 7/4 × 7/4 दो बार ले लो
हाइट हमारे पास 10 दे रखी है, इसको सॉल्व कर लो बस, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से कट किया 2 टाइम्स, फिर 2 से इसको कट कर लिया 5 टाइम्स, और कुछ भी नहीं कट हो रहा, तो इसको सिंपली सॉल्व कर लो, 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 4, तो 385 डिवाइडेड बाई 4, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे, 385 डिवाइडेड बाई 4, तो आपके पास 96 96.25 मीटर क्यूब जो है इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। तो वॉल्यूम इसकी कितनी आई हमारे पास, यानी कैपेसिटी कितनी आई जो है 96.25 आ गई। इतना आसान सा, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ बस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते जाइए बच्चों। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये काफी ढंग का क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए वॉल्यूम का है, लेकिन रिलेशन जो पूछा है मेजर, यानी कि हमें इसके एरिया से रिलेशन पूछा है, वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है देखो, कैपेसिटी दे रखी थी, हाइट दे रखी थी, हाइट दे रखी 1 मीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर होगा। कैपेसिटी जो थी 15.4 लीटर थी, तो हमने इसको कन्वर्ट किया 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो ये सेंटीमीटर क्यूब बदल गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी मीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट रिक्वायर टू मेक इट। ये क्लोज सिलेंड्रिकल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल। ये क्लोज सिलेंड्रिकल है, यानी हमें इसका टीएसए निकालना है, लेकिन टीएसए निकालने के लिए एक चीज मिसिंग है, रेडियस। तो रेडियस कैसे निकलेगी, इस कैपेसिटी वाले से कंपेयर करके। तो हमें पता है ऐसे से कैपेसिटी ऑफ वेसल यानी वॉल्यूम, कैपेसिटी ऑफ वेसल अगर आप निकाल रहे हो, यानी उसका क्या निकाल रहे हो, वॉल्यूम निकाल रहे हो उसका, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू रख देंगे सारी, ये आपके पास 15400 जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पाई की वैल्यू कोई देख तो नहीं रखी, ये दे रखी 22.7। रेडियस हमें निकालना है, हाइट हमारे पास दे रखी है 100 सेंटीमीटर, इसको बदल देना, पहले बदल दिया मैंने, हाइट स्मॉल लेटर में ले लेता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो आर स्क्वायर ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा 15400 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 100, तो 100 के दो जीरो से इसके दो जीरो कैंसिल हो गए, ये 7 टाइम जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आर निकालते हो इसको तो 7 इंटू 7, यानी रेडियस की जो वैल्यू है आपकी केवल कितनी आएगी, 7 सेंटीमीटर। ये तो आई रेडियस की वैल्यू। अब हमें इसको शीट को पूछ रहे हैं कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी, तो हमें इसका क्या निकालना है, टीएसए निकालना है। तो टीएसए निकाल लीजिए आप, टीएसए ऑफ सिलेंडर अगर आप निकालते हो, तो हमें इस मेटल शीट का पता चल जाएगा कि कितनी मेटल शीट आपको रिक्वायर्ड होगी एक्चुअल में, पता चल जाएगा। तो इसको हम क्या निकालेंगे, 2πr r + h, इसके अंदर वैल्यूज रख दीजिए सारी, सॉल्व कर लीजिए, सिंपली आपके सॉल्व हो जाएगा 2 × 22/7। रेडियस की जो वैल्यू है हमने निकाल रखी है 7, और रेडियस क्या है 7, और हाइट कितनी है 100, 7 से 7 सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ये 44 को आपको 107 से केवल मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास जो वैल्यू है वो 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि कितनी चीजें, कितना रिक्वायर्ड है आपको, आपका जो है ना, हाउ मेनी मीटर स्क्वायर ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड, तो 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको आप चाहें तो कन्वर्ट कर दीजिए 100 × 100 का डिवाइड लगा के, यानी कि तो ये आ जाएगी वैल्यू 0.4708 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर में पूछा है आपसे आंसर। तो हमें पता है कि अगर केवल मीटर को बदलते हैं, मीटर बदलते हैं सेंटीमीटर को, तो 100 होता है, लेकिन दो बार है, स्क्वायर है, इसका मतलब 100 × 100 आपको पता ही है, ये तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1/100 मीटर होता है, तो दो बार अगर हो तो दो बार आ जाएगा, डिवाइड में भी दो बार आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 जीरो नीचे आएंगे इसके, 10,000 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, ये भी आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 4708 मीटर स्क्वायर ऑफ द मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक इट। इतना आपको मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी एक क्लोज सिलेंडर बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते जाइए इसके अंदर बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 7 को इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज पढ़ के बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। अ लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल इन द इंटीरियर,
डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm दे रखा है, एमएम को मैंने सीधा ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 10 का डिवाइड लगाया, फिर मुझे रेडियस निकालना तो हाफ, ठीक है हाफ से किया मैंने तो ये 7/20 हो गया। इसी तरह से 1 mm दे रखा तो उसको कन्वर्ट किया सेंटीमीटर, 1/10 हुआ तो रेडियस की वैल्यू हाफ हो जाएगी, जो आधा हो जाएगा 1/10 का आधा करेंगे तो 1/20 सेंटीमीटर हो गया। हाइट जो है हमें पेंसिल की दे रखी है 14 सेंटीमीटर है। अब आपसे दो चीजें पूछ रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द वुड एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से क्या कनेक्टेड है उसका, ग्रेफाइट का वैल्यू पहले हम दोनों का ही निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड केवल लकड़ी, लकड़ी कितनी भी यूज हुई वो पता चल जाएगी। तो हमें क्या करना है एट प्रेजेंट, अभी ये डायग्राम समझ जाना अच्छे से, आप इसको समझ जाते हो तो आपका क्वेश्चन आधे से ज्यादा कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ पेंसिल और फिर वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट भी निकालेंगे, दोनों चीजें निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल भी निकाल लो और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल लो, एक तरफ वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकाल लो और एक तरफ निकाल लो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल लो, तो दोनों का वॉल्यूम निकल जाएगा आपके, तो आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो दोनों का निकाल लेते हैं, इसके अंदर पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, एच तो दोनों में सेम है तो स्मॉल एच से रिप्रेजेंट कर लो, इसमें पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, 22/7 है, रेडियस की जो वैल्यू है हमारे पास है 7/20 × 7/20 दो बार है, हाइट दोनों के अंदर ही हमारे पास 14 लेके चलना है, 22/7 है, रेडियस के अंदर इसकी जो वैल्यू आ रही है जो है आपके 1/20 × 1/20, हाइट जो है इसकी 14 है, 7 की टेबल से इसको कट करोगे वन टाइम कट हो जाएगा, फिर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप अगर कट करते हो इसको 2 की टेबल से 2 7 जा आ जाएगा, 2 की टेबल में ये 10 जा आ जाएगा, फिर 2 से कट करते हो तो 11 जा हो जाएगा, ये 10 जा हो जाएगा, इस तरह से बच्चों आप इसको कट कर सकते हो। उसी तरह से इसमें भी कट कर लो 7 की टेबल से तो ये 2 7 2 14 हो गया, इसको कट कर लिया, इसको हम कट करते हैं तो ये 11 टाइम कट हो गया, नीचे 10 आ गया, फिर 2 की टेबल से कट करोगे तो ये 10 टाइम आ जाएगा, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ऊपर वाले में आपको सिंपली 11 को मल्टीप्लाई करना है 49 से, नीचे 100 आ जाएगा, इसी तरह से इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर तो केवल 11 है, नीचे आपके पास क्या है 100 है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 9 4 13 1 5 डिवाइड में आपके 100 है, यहाँ पर आप इसको सॉल्व करो तो 0.11 सेंटीमीटर क्यूब और इसको आप सॉल्व करते हो तो 15.39 सेंटीमीटर क्यूब वैल्यू आएगी, इस तरह से आपके पास बच्चों ये वैल्यू आती है दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो। फिर आप लोगों से ये क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसका जवाब दे दो, दोनों के अंदर जो वैल्यू पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ वुड कितना आएगा, केवल वॉल्यूम ऑफ वुड अगर पूछे, इन दोनों में से हमें पता है कि इसका ही ज्यादा है, कंपेरेटिवली मैंने करा दिया है, ठीक है ज्यादा पूछा नहीं है आपसे किसका ज्यादा है, पता ही हमें ये ज्यादा है, लेकिन ये निकालने के लिए पर्पज से मैंने ऐसे बना दिया है ताकि आसान हो जाए थोड़ा सा करना इसको कंपेरेटिवली। तो वॉल्यूम ऑफ वुड अगर आप निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ वुड दोनों का डिफरेंस होता है हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट को माइनस कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से आप माइनस कर दो किसको, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट को, ठीक है वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट को अगर आप माइनस कर देते हो तो कितना आता देखिए, 5.39 में से आप सबट्रैक्ट करोगे 0.11 को, दोनों को सबट्रैक्ट करोगे आपके पास 5.28 आएगा, 5.28 आपके सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, तो आपके पास दोनों आंसर आ चुके हैं। आपसे पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ द वुड, वॉल्यूम ऑफ वुड इतना आ गया, ये रहा वॉल्यूम ऑफ वुड, और वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट जो है वो आपने निकाला हुई है, ये रहा वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कितना है वो भी लिख दो, ये भी हमने निकाल रखा है 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, तो इन दोनों ही केस में आपने आंसर निकाल दिया, ऐसे किया तो थोड़ा आसान हो गया जल्दी हो गया, नहीं तो अलग अलग करके भी निकाल सकते हो, इतना ज्यादा है बताना, बता दिया मैंने, क्वेश्चन पूछा नहीं था लेकिन डिफरेंस निकालना था इसलिए मैंने ऐसा बनाया, ठीक है तो इस तरह से बच्चों आप ये इसको कर सकते हो। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, देखिए लास्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों देखिए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल है, डायमीटर देखा था तो रेडियस निकाल दिया, हाइट देखा है, एक सिलेंड्रिकल बाउल है जो कि पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है उसके थ्रू हमें दे रखा है कि ये कह रहा है कि 250 पेशेंट को कितना सूप रिक्वायर्ड होगा, तो हम सबसे पहले एक के लिए निकाल लेंगे कितना होगा, फिर 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट, इसे इतना ही करना है हमें। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सूप फॉर वन पेशेंट कितना आएगा बताना है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सूप
फॉर 1% कितना आएगा वो निकालना है 1% के लिए, जो कि इसके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा, ठीक है, जो कि है पाई आर स्क्वायर एच। फिर हमें पूछा क्या गया है, वॉल्यूम ऑफ सूट फॉर 250%, तो हमें क्या करना है 250 से मल्टीप्लाई करना है पाई आर स्क्वायर एच की जो भी वैल्यू आएगी उसको, बस और कुछ भी नहीं है, सिंपली इसको सॉल्व कर लो। तो 250 × 22/7 रेडियस की वैल्यू 7/2 × 7/2 हाइट की वैल्यू 4 है हमारे पास, 2 से इसको कट किया, फिर इस 2 से इसको कट कर दिया, 7 से एक 7 कट कर दिया, तो 250 × 154 तो 0, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास 5 13 कैरी, इसको सॉल्व करोगे तो 8 38 3850 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, यानी इतना डेली इसको प्रिपेयर करना है, और आप अगर लीटर में कन्वर्ट करो तो 1000 से डिवाइड लगा देना, तो आपके 38.500 लीटर इतना सूप जो है डेली प्रिपेयर करना पड़ेगा पेशेंट के लिए 250% के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इसके बाद में हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज, जब तक के लिए इसी तरह से रेगुलर प्रैक्टिस करते जाए और अपने मैथ्स को डेली डेली आप लोग इंप्रूव करता फील करोगे, रोज प्रैक्टिस करिए बस, ओके बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।